आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में शिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में संत महात्माओं ने शिव पर जल किया अर्पित। महाशिवरात्रि पर्व पर प्रशासन द्वारा 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्थाओं के इंतजाम किए थे, किंतु ओंकारेश्वर में 50,000 से अधिक श्रद्धालु भी नहीं पहुंचे। श्रीजी ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट द्वारा भगवान शिव मंदिर शिखर को विद्युत सज्जा से भी श्रृंगार नहीं किया। भोलेनाथ के प्रमुख दिन विशेष शिवालयों को सजाया जाना था, केवल पुष्पों की लड़ी लगाई गई। कुछ आश्रमों पर विशेष श्रृंगार से मंदिर मठ जगमगाए। षष्ठ दर्शन संत मंडल के नागा बाबा महंत विजय शंकरपुरी ने कहा, जूना अखाड़े से संत महात्मा ढोल धमाके के साथ ओंकारेश्वर ममलेश्वर बाबा को ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाने पहुंचे। भक्तों को आशीर्वाद देते हुए शिवरात्रि के महत्व को बताते हुए कहा, शिवजी के निराकार स्वरूप के प्रतीक लिंग शिवरात्रि के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा पूजित हुए थे। पौराणिक कथाओं में यह भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और माँ पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। भक्तों ने नर्मदा में आस्था की डुबकियां लगाई, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर ओंकार परिक्रमा का लुफ्त लिया। पंडित दीपक जोशी ने कहा, सुबह से ही शिवालयों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए। कलेक्टर पुलिस अधीक्षक शिवरात्रि पर्व के एक दिन पूर्व श्रद्धालुओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां जगह जगह LED भी लगाई, किंतु श्रद्धालुओं की संख्या कम ही रही। पर्याप्त मात्रा में पुलिस व्यवस्था की गई। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर अन्य शिवालयों को शिवरात्रि पर्व पर विशेष मेवा विष्ठान भांग से श्रृंगार किया जाएगा। कई स्थानों पर भंडारों के आयोजन होंगे। उल्लेखनीय है कि स्थान के अभाव में लुप्त होते जा रहे मेले नगर परिषद द्वारा शिवरात्रि कार्तिक मेले के आयोजन किए जाते थे, किंतु स्थान के अभाव में ये लुप्त होते जा रहे हैं। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आज बहुत बड़ा महत्व है और इसका बहुत पावन अवसर पे शिवरात्रि मनाई जाती है। महादेव शंकर जी का, महादेव पार्वती जी का विवाह हुआ था, इस वजह से शिवरात्रि मनाई जाती है। आज संत समाज कहां से कहां तक जल चढ़ाया? संत समाज जल चढ़ा रहे हैं, चालू है जल चढ़ाना। जूना अखाड़े से यात्रा शुरू हुई, वो आकर के सीधा गौमुख नर्मदा जी के दर्शन, उनको नारियल फूल अर्पण किया गया। उसके बाद JP चौक होते हुए ओंकार भगवान के दर्शन, बाकी ममलेश्वर दर्शन होंगे। भक्तों को क्या संदेश देंगे आप आज? भक्तों के लिए यही संदेश है, हमारा आशीर्वाद ओंकार महाराज का आशीर्वाद होना चाहिए, यही है, बाकी कुछ नहीं। आपका परिचय? प्रशासन की बहुत बड़ी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग एवं मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी से कार्य किया जा रहा है। लगभग कितने श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर आज आगमन होगा? लाखों लोगों के आने की संभावना है। आपका परिचय? मेरा परिचय दीपक जोशी, ओंकारेश्वर